हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑन राउंडर गेम। और दोस्तों, आज हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं ग्रैनी थ्री। और आज की इस वाली वीडियो में हम लोग करेंगे ट्रेन इसके। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। तो चलिए दोस्तों, गेम को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नॉक पिक उठानी है हम लोगों ने और कोशिश करेंगे कि फटाफट से हम लोग गेम को कंप्लीट करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग नीचे जाके साउंड क्रिएट करेंगे। एक बार यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों, हम लोगों को प्लैंक जो है वो मिल चुका है। तो ग्रैनी ग्रैंडपा को डायरेक्ट ऊपर बुना नीचे बुनाते हैं, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों, साउंड क्रिएट कर दिया है। दोस्तों, ग्रैनी ग्रैंडपा नीचे आएंगे और हम लोग प्लैंक लेके डायरेक्ट ऊपर जाएंगे और इसी नगे में हम लोग सब कुछ मटेरियल या आइटम जो भी है उसको हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों, मुझे ये ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ग्रैनी से ज़्यादा डर लगता है कि इवनन से। मुझे दोस्तों लगता है कि ग्रैनी गेम जो है वो ज़्यादा आसान है, क्योंकि इवनन में तो आप जानते हो कि हम वो इवनन जो है वो टनल के अंदर भी घुस जाती है। तो ग्रैनी भाई दोस्तों नीचे आ चुकी है, ग्रैंडपा भी नीचे आ चुका है। तो डायरेक्ट चलते हैं ऊपर। तो फटाक से दोस्तों ऊपर चलते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे टैडी भी पड़ा है, तो हम लोग डायरेक्ट इन दोनों को मारते हैं, मारेंगे वो क्या बोलते हैं स्लिंग शॉट लेके। दोस्तों सब कुछ चेक करते हुए चलते हैं। यहाँ पे कॉइन भी हम लोगों को मिल चुका है। यहाँ पे दोस्तों फ्यूज है जो कि हम लोगों के किसी भी काम का है नहीं वैसे तो। दोस्तों, अब डायरेक्ट नीचे चलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों फटाफट यहाँ पे चेक कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ ज्यादा खास सामान पड़ा नहीं है। बस वेपन की मिनी है। तो फटाक से ओपन करते हैं गेट को। और दोस्तों फटाक से स्टोन ढूंढते हैं और चलते हैं उसके बाद। दोस्तों यहाँ पे एक स्टोन मिल चुका है। तो दोस्तों ग्रैंडपा जो है वो उधर गया है, तो हम लोग सीधा ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं, तो फटाक से स्लिंग शॉट हम लोगों ने ले लिया है। बस अब ग्रैनी को बुलाते हैं। तो दोस्तों बस ग्रैनी का इंतजार है। दोस्तों ग्रैनी जो है वो आ चुकी है, ग्रैनी आ चुकी है। दोस्तों आओ ग्रैनी। तो दोस्तों इसके हम लोगों ने सीधा मुंह पे हेडशॉट दिया। ग्रैंडपा भी आ चुका है, ये भी गया। दोस्तों अब इससे लेते हैं शॉट गन, इसको शूट कर देते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने नीचे टैडी देखा, तो टैडी को जल्दी नहीं चलते हैं ऊपर।
तो दोस्तों मैं यही कोशिश करूंगा कि मैं पहले डे में ही पूरा गेम निकाल दूं। तो यहाँ पे कॉइन भी पड़ा है, मैं वही देखने आया था कि कॉइन यहाँ पे पड़ा है कि नहीं। उसने रीना भी आ चुकी है। दोस्तों अभी हम लोगों को कुछ देखे ट्रेन की कुछ दे दे, तो इसने सेफ की दी हम लोगों को, तो बहुत अच्छी। तो दोस्तों हम डायरेक्ट सेफ में लगाते हैं जिन केस को। दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को शेड की मिली है जो कि हम लोग अभी ड्रॉप करे दे रहे हैं। और यहाँ से कॉइन ले लेते हैं। तो फटाफट काम करते हैं सारा, इसको टिकट दिखा देते हैं। तो टिकट भी दिखा दिए, तो अब ये गेट खोल देगा ट्रेन का, तो आप जल्दी से हम लोग ऊपर जाके अपनी शॉटगन को ले लेते हैं। तो शॉर्ट गन लेनी है, इसमें एक ही एमओ पड़ी है, तो यहाँ गाड़ी में एमओ पड़ी है, तो एमओ ले लेते हैं। और दोस्तों ऊपर देखिए फायरवुड भी पड़ा है, तो फायरवुड भी हम लोग ले लेंगे, या तो फिर एमओ से ही गोली से ही मार देंगे कौए को। और दोस्तों बस फटाफट ग्रैनी को ढूंढते हैं। दोस्तों यहाँ का गेट खुला है, इसका मतलब ग्रैनी जो यहाँ आई जरूर होगी। तो साउंड हम लोगों ने क्रिएट कर दिया है। मतलब ग्रैनी जरूर इधर आएगी। दोस्तों ग्रैनी आ चुकी है, तो और ठुक भी चुकी है ग्रैनी हम लोगों से। अब बस ग्रैंडपा को ढूंढना है जल्दी जल्दी। हाँ ग्रैंडपा, तो दोस्तों ग्रैंडपा भी गया। दोस्तों अंदर देखिए एमओ पड़ी है, तो एमओ ले लेते हैं। एक ग्रैंडपा जो ऊपर से राउंड के हम लोग आ चुके हैं, गन को इधर फेंकते हैं और इधर चेक कर लेते हैं क्या है। इधर दोस्तों कुछ भी नहीं मिला है अभी तक। जल्दी से ऊपर से स्लिंग शॉट नहीं रहते हैं जाके अपना। तो स्लिंग शॉट हम लोग पहले इसको फोड़ देते हैं। अब इसको ऊपर यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, देखते हैं दोस्तों क्या मिलता है गेट के अंदर से हम लोगों को। दोस्तों यहाँ पे ब्रिज क्रैंक पड़ा है, लेकिन हम लोगों को क्रो बार से मतलब है। क्रो बार हम लोगों ने ले लिया। अब फटाक फटाक से ऊपर चलते हैं। मैच स्टिक पड़ी है जिसका, इतना हम लोग फालतू का टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम लोग डायरेक्ट कौए को गोली से मारेंगे।
यहाँ से यहाँ से हम लोगों को एक्सेलरेटर मिल चुका है, तो निफ्ट को ऊपर बुलाते हैं। निफ्ट दोस्तों हम लोग जा चुकी है ऊपर, तो फटाक से नीचे मिलते हैं। तो दोस्तों क्रोबार का हम लोगों का सारा काम हो चुका है, बस कौए को एक बार हटाना है। दोस्तों जो ग्रैनी है वो मेरे हिसाब से जिंदा हो चुकी है, दोस्तों ग्रैंडपा को हम लोगों ने मार दिया है, बस ग्रैनी का इंतजार है। तो दोस्तों ग्रैनी जैसी है कि उसको भी हम लोग मार देते हैं। दोस्तों मुझे लग रहा है गेट से आए क्योंकि साउंड इधर ही क्रिएट हुआ है। दोस्तों ग्रैनी आ ही नहीं रही है, दोस्तों साउंड एक और क्रिएट कर दिया है, आ गई ग्रैनी। दोस्तों ग्रैनी को भी हम लोगों ने मार दिया है। दोस्तों इसको एक्सेलरेटर उठाते हैं, एक्सेलरेटर। और इसको दोस्तों फेंक देते हैं नीचे, बस नीचे गया तो नहीं लेकिन कोई नहीं। तो दोस्तों अब डायरेक्ट ऊपर चलते हैं, यहाँ से शेड की भी नहीं लेते क्योंकि शेड का काम भी कर ही लेते हैं इसी नगे। तो दोस्तों अगर आपको इवानी गेम प्ले वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा गेम मेरा फ्रीज हो गया था, ये कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों कुछ ट्रेन की है। दोस्तों गेम मेरा फ्रीज हो रहा है, बार बार देख रहे हैं जैसे कि आप रिकॉर्डिंग में। ट्रेन की भी हम लोगों को मिल चुकी है। तो दोस्तों लगभग लगभग सारा काम हम लोगों का हो चुका है, बस हम लोगों को इलेक्ट्रिक स्विच लगाना है। तो फटाक से ले जाते हैं इसको, की लग चुकी है, एक्सेलरेटर और लगाना है। और दोस्तों ग्रैंडपा जिंदा हो चुका था और उसने हम लोगों को मार दिया है। चलिए कोई नहीं, अभी भी हम लोगों के पास 4 डेज में पूरे लगभग सारा काम हम लोगों का हो चुका है। दोस्तों मैंने तो कहा था कि पहले दिन में ही हम लोग कंप्लीट कर लेंगे लेकिन ग्रैंडपा ने मार दिए। चलिए कोई नहीं, तो सबसे पहले हम लोग ग्रैंडपा को ही मारते हैं। दोस्तों हम ऊपर से यहाँ पे एक्सेलरेटर पड़ा होगा हम लोगों का, वो ले लेते हैं। और दोस्तों अगर कौए के पास भी हम लोगों को नहीं मिला तो फिर हम लोगों को
पॉट वाला वो करना पड़ेगा, जो नहीं होता है कि हम लोगों को पानी भर के फिन करना होगा। और दोस्तों मैं तो चाहता हूँ वहाँ उस कौए के पास ही मिल जाए लोगों को। तो स्लिंग शॉट उठाते हैं, ग्रैनी तो गई दोस्तों। तो फटाक से पत्थर ढूंढ लेते हैं, क्योंकि स्टोन बड़ी जरूरी है इस गेम में। जैसे स्टोन भी मिल चुका है हम लोगों को, तो फटाक से डायरेक्ट 2 स्टोन ले लेते हैं, जिससे कि अगर ग्रैंड पर एक में ना मरे तो दूसरे में लोग मार दें, डायरेक्ट कौए के पास चलते हैं। स्टोन दोनों दोस्तों हो चुके हैं। ग्रैंड पा पता नहीं दोस्तों कहाँ है। हम लोगों का लगभग लगभग सारा काम हो चुका है, बस वहाँ पे एक तीर लगा के पता नहीं दोस्तों ग्रैंडपा कहाँ है। जब दोस्तों हम लोग स्निंग शॉट आ गया, तब ये ग्रैंडपा जो है हम लोग उसे हाइड एंड सीख खेल रहा है। दोस्तों इतनी देर में तो अब ग्रैनी भी जिंदा हो जाएगी। सुनिए कोई नहीं, जब तक हम लोग दूसरे काम देख लेते हैं। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। ग्रैंडपा जो है वो मिना नहीं है। ग्रैंडपा दोस्तों मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। अच्छा दोस्तों अपने पास गन हो और फिर आए नहीं ग्रैंडपा, गए तो बड़ी गुस्सा आती है दोस्तों, फ्रस्ट्रेशन बहुत होती है। दोस्तों मुझे तो लग रहा है ग्रैनी भी जिंदा हो गई होगी। देखिए जैसे मैंने कहा था ग्रैनी जो होगी वो जिंदा हो चुकी है। दोस्तों ग्रैनी तो गई फिर से 2.5 मिनट की। नहीं ग्रैनी भाई दोस्तों सबसे अच्छी, क्योंकि वो साउंड सुन के आने की ग्रैंडपा जो है बहरा है ना, तभी बंदा आ ही पाता है। और अभी भी मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ गायब हो गया बुड़बक। अब दोस्तों मैं ही ढूंढता हूँ इसे, इसके घर में घुस के। दोस्तों ये रहा ग्रैंडपा जिसको हम लोग इतनी देर से ढूंढ रहे थे।
तो ये भी गया, डायरेक्ट कौए के पास चलता है। अगर कौए के पास इलेक्ट्रिक स्विच होगा तो हम लोग उसे मारेंगे, वरना उसको हम लोग नहीं मारेंगे। डायरेक्ट हम लोग अपना वो वॉश जो नहीं होते पॉट्स जो है उनको लेना शुरू कर देंगे, देखते हैं दोस्तों इसके पास है कि नहीं। तो दोस्तों इसी के पास था वो, तो दोस्तों फटाक से चलते हैं नीचे। दोस्तों मैं शॉर्टकट से आ चुका हूँ नीचे एकदम। दोस्तों गेम हम लोगों का लगभग लगभग पूरा हो ही चुका है, बस ये इलेक्ट्रिक स्विच लगाते हैं और अपनी विदा हो जाते हैं इस घर से। दोस्तों सारा काम हो चुका है, चलिए चलते हैं, गेट करते हैं बंद। चलिए दोस्तों ट्रेन हम लोगों की चल चुकी है, 1, 2 and 3। तो दोस्तों अगर आपको ये वाली गेम प्ले वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।